एपिसोड 4। क्वीन मिरियल ने सपने में न्यूमिनोर को पानी में डूबते हुए देखा। इस व्हाइट ट्री या निमलॉथ के पत्तों का झड़ना आने वाले तबाही की मानो एक निशानी है। ये ट्री न्यूमिनोरियंस को एल्फ ने गिफ्ट किया था, बट उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। बस इतना समझ लो कि वेलार न्यूमिनोरियंस तक इस ट्री के जरिए इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा सकते हैं। गैलाड्रियल के सिचुएशन को हैंडल करने क्वीन रीजेंट उससे बातचीत करने वाली थी, लेकिन सारे ही लोग इससे खुश नहीं थे। कुछ लोकल न्यूमिनोरियंस को लगता है कि गैलाड्रियल शायद किंग की तरह ही क्वीन मिरियल को भी एल्फ लवर या एल्फ फ्रेंड में बदल देगी। इस बंदे के भड़काऊ भाषण से कुछ लोग कन्विंस भी हो गए थे। फेरोजोन के बेटे किमेन ने फौरन ये खबर अपने पापा को दे दी। समय रहते फेरोजोन ने जाके सबको समझाया कि न्यूमिनोरियंस इतने भी कमजोर नहीं हुए कि बस एक एल्फ के आते ही अपने फ्यूचर की चिंता करने लग जाएं। फेरोजोन ने सबसे वादा किया कि जब तक वो न्यूमिनोर पर है, किसी को एल्फ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख के लग रहा था कि शायद ये भाषणबाजी फेरोजोन की प्लानिंग थी, क्योंकि ये भाई साहब फेरोजोन के लिए काम करते हैं। एआरियन और केमन कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। केमन उसके पापा के कन्विंसिंग स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस था। दूसरी तरफ गैलाड्रियल ने क्वीन को आने वाले खतरे के बारे में बताया, यानी सावरॉन की वापसी। गैलाड्रियल को लगता है कि हालब्रांड साउथलैंड्स के राजघराने का पिछड़ा हुआ वंश है। हालब्रांड के अवाम फिलहाल बिना किसी लीडर और मकसद के जिंदगी गुजार रहे थे। ये हालब्रांड की मदद से साउथलैंड्स के ह्यूमन को एकजुट करके सावरॉन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गैलाड्रियल चाहती है कि न्यूमिनोर भी इस लड़ाई में एल्स का साथ दे, लेकिन क्वीन मिरियल को इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर गैलाड्रियल ने गुस्से में क्वीन रीजेंट से कहा कि अगर वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकती तो गैलाड्रियल को राजा के पास लेकर जाए, शायद किंग गैलाड्रियल की बातों को सीरियसली लेगा। एक एल्फ से अपने इंसल्ट सुनते ही मिरियल ने उसे जेल में बंद करवा दिया। नेवी की ट्रेनिंग लेते वक्त इसल्डर को फिर से लड़की की आवाज सुनाई दी, मानो न्यूमिनोर के किनारे से कोई इसल्डर का नाम पुकार रहा हो। ये सुनते इसल्डर ने जानबूझकर रस्सी ढीली छोड़ दी, ताकि गुस्सा होकर उनका कोच इसल्डर को सी गार्ड की ड्यूटी से निकाल फेंके। लेकिन इनका लीडर इतना गुस्सा हो गया कि उसने इसल्डर के साथ साथ उसके दोस्तों को भी निकाल दिया। माना कि इसल्डर को अपने भाई की तरह ही पर्सनल एडवेंचर्स पर जाना था, बट बेचारे इन दोनों को तो एक्चुअल में सी गार्ड बनना था। इसल्डर की इस हरकत के बाद गुस्से में दोनों से उससे दोस्ती तोड़ दी। फिर हमें फाइनली एडार का चेहरा देखने मिला। सरप्राइजिंगली एडार कोई ह्यूमन या वेलार नहीं बल्कि एक एल्फ है। शक्ल देख के लग रहा है कि पास्ट में इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, या फिर ये बिना हेलमेट के लड़ाइयों में जाता होगा। ये कैरेक्टर भी बुक्स में नहीं है, बट शोरनर्स अगर चाहें तो इसे एक बुक कैरेक्टर के साथ जरूर लिंक कर सकते हैं। अगर थियरी सही निकले तो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। एडार के बर्ताव को देख के लग रहा था कि उसे अपने साथी ऑक्स की वाकई में फिक्र थी। अराउंडर के द्वारा जख्मी किए ऑर्क को दर्द से छुटकारा देने एडार ने उसे मार दिया, बट छुरा घोपते वक्त एडार को अंदर से काफी बुरा लगा। अपने वफादार सिपाही को निपटा कर एडार एरोंडर से पूछताछ करने लगा। एरोंडर ने उसे बताया कि वो बेलरियन में पैदा हुआ था। एडार भी उसके बचपन में एक बार बेलरियन की नदी देखने गया था। इसे लगता है कि एरोंडर उसी नदी के आसपास कहीं रहता होगा। बेसिकली इस कन्वर्सेशन से हमें यह समझ आता है कि एडार भी किसी जमाने में एक कट्टर एल्फ था, पर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो पूरी तरह से पार्टी बदलकर डार्क लॉर्ड के साइड हो गया। इसे अब दुनिया में भारी बदलाव लाने थे, लेकिन दुनिया बदलने के लिए एडार कोई गॉड नहीं है, एटलीस्ट अब तक तो नहीं, इंडिकेटिंग कि एडार किसी गॉड लेवल पावर की तलाश में था। एडार ने एरोंडर को सिर्फ इसीलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो वॉच टावर में छुपे ह्यूमंस तक अपना मैसेज पहुंचा दे, लेकिन वापस भेजते वक्त एडार ने इसे कोई एसेंशियल सर्विस का पास वगैरह नहीं दिया। यानी एरोंडर को ऑक्स से बचते बचाते ये मैसेज ह्यूमंस तक पहुंचाना होगा। ऑक्स के हमलों से परेशान होकर आसपास के गांव के सारे ह्यूमंस एल्व्स के वॉच टावर में इकट्ठा हुए थे। धीरे धीरे अब इनका राशन भी खत्म होने लगा था। ब्रॉनविन के मना करने के बावजूद भी थियो उसके दोस्त रोन के साथ टाउन में खाना इकट्ठा करने चला गया। इसे लगता है कि दिन के वक्त ये लोग ऑक्स से बचकर गांव से सामान ला सकते हैं। थियो चुपके से अपने साथ वो ब्लैक ब्लेड भी लेकर आया था, यू नो, जस्ट इन केस। गांव में खाना ढूंढते वक्त थियो का सामना रात नामी ऑग से हुआ। ये देखकर रोहन बचा कुचा सामान लेकर वापस वॉच टावर की ओर भाग गया। ऑग से अपनी जान बचाने थियो ने ब्लेड को बाहर निकाला। थियो अब इस ब्लेड के मैकेनिज्म को समझ गया था। इंसान का खून मिलते ही ये ब्लेड बड़ा होकर तलवार की तरह बन जाता था। थियो ने ब्लेड के हैंडल को हाथ में चुबा कर उसे एक्टिवेट कर दिया। रात ने देखते इस ब्लेड को पहचान लिया। सारे ऑर्क्स इसी की तो तलाश कर रहे थे। थियो ने ब्लेड से रात पर हमला कर दिया और बाहर जाकर इस कुएं में छुप गया।
फिर हमने देखा कि एलरॉन के समझाने के बाद ड्यूरिन मान गया। एल्स और डॉर्स साथ मिलकर तेजी से कैलिब्रुम्बर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कैलिब्रुम्बर एलरॉन से काफी इंप्रेस था। ये बहुत बार एलरॉन के फादर एरिंडल से मिल चुका था। एरिंडल ने कैलिब्रुम्बर को बताया था कि फ्यूचर में उसका बेटा यानी एलरॉन कैलिब्रुम्बर के बहुत काम आएगा। कैलिब्रुम्बर को लगता है कि ड्यूरिन शायद इनसे कुछ छुपा रहा है। फिर इस बात की छानबीन करने एलरॉन डीसा से मिलने चला गया। डीसा की बातों से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि डॉर्स वाकई में इनसे कुछ छुपा रहे थे। फिर एलरॉन अपने सुपर हियरिंग एलवन पावर्स की मदद से डीसा और ड्यूरिन की बातें सुनने लगा। ड्यूरिन और उसके साथी मिरर मियर के नीचे बनी खदान में माइनिंग कर रहे थे। एलरॉन इनके पीछे पीछे उस ओल्ड माइन के अंदर घुस गया। इसने एक ही झटके में यहाँ बने सीक्रेट दरवाजे का पासवर्ड भी गेस कर लिया। अंदर घुसते ही एलरॉन की मुलाकात ड्यूरिन से हुई। ड्यूरिन को पहले लगा कि एलरॉन यहाँ डॉर्स का सीक्रेट चुराने आया है, लेकिन एलरॉन ने दोस्ती की कसम खाते हुए इससे वादा किया कि वो इधर सिर्फ और सिर्फ टावर के काम को पूरा करने आया है। डॉर्स के सीक्रेट साइड प्रोजेक्ट की वजह से उसे थोड़ा शक हो रहा था, इसीलिए वह उनके पीछे पीछे इस माइन में घुस गया। ड्यूरिन को एलरॉन की बातों पर यकीन था, लेकिन डॉर्स का सीक्रेट बताने से पहले उसने एलरॉन से शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, एलरॉन यह सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। एलरॉन फौरन मान गया। फिर ड्यूरिन ने एलरॉन को डॉर्स की नई खोज के बारे में बताया। एक ऐसी चमकती धातु जो वजन में सिल्क से हल्की और मजबूती में लोहे से ज्यादा स्ट्रांग है। डॉर्स ने इस धातु को ग्रे ग्लिटर का नाम दिया। एलरॉन के हिसाब से एल्विज भाषा में इसका नाम मिथरील होगा, यानी कमाल का ग्रे ऑब्जेक्ट। मिथरील डॉर्स के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिन ने मिथरील का एक सैंपल एलरॉन को गिफ्ट कर दिया, इनकी दोस्ती की एक निशानी। लेकिन तभी लैंडस्लाइड की वजह से खदान में एक्सीडेंट हो गया। ड्यूरिन फौरन अपने साथियों की मदद करने निकल पड़ा। निमिनोरियंस ने गलाड्रियल को हालब्रांड की बाजू वाली जेल में ही रखा था। हालब्रांड ने गलाड्रियल को समझाया कि हर जगह अपना गुस्सा और एटीट्यूड दिखाकर काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग भी यूज कर लेना चाहिए। दिमाग के साथ साथ फेस मसल्स को भी यूज कर लेना दीदी, चेहरे पर होंठ के सिवा बाकी कुछ नहीं हिल रहा। एनीवेज, हालब्रांड ने उसे बताया कि दुश्मन की कमजोरी को ताकत की तरह इस्तेमाल करना। गलाड्रियल की फाइनली समझ आया कि किंग ऑफ न्यूमिनोर क्वीन मीरियल की कमजोरी है। किंग का टॉपिक निकालते ही क्वीन रीजेंट ने उसे जेल में बंद करवा दिया। फिर गलाड्रियल कुछ गार्ड्स को मारकर किंग से मिलने चली गई। फेरेजॉन भी तलवार निकालकर उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन हालब्रांड ने उसे रोक लिया। हालब्रांड को अच्छे से पता था कि गलाड्रियल कहां जा रही है। हालब्रांड शायद यहाँ फेरेजॉन को इन्फॉर्मेशन देकर अपना दोस्त बना रहा है। लगता है इनकी दोस्ती आगे चलकर कोई बड़ा टर्न लेने वाली है। तो हालब्रांड ने खड़े खड़े 5 मिनट में दो महान हस्तियों को अपनी बातों से मैनिपुलेट किया। इस कैरेक्टर को जितना सादा और सरल हम समझ रहे थे, ये उतना ही टेढ़ा है। फिर इसिल्डर ने अपनी बहन को बैड न्यूज दी कि कोच ने इसिल्डर समेत उसके दोस्तों को भी सी गार्ड से निकाल दिया। एआरियन यहाँ आने से पहले किसी सीक्रेट डेट के साथ डिनर करके आई थी। गलाड्रियल चुपके से किंग टार प्लांटियर के टावर में चली गई, जहाँ उसकी मुलाकात मीरियल से हुई। बूढ़ा टार प्लांटियर निढाल होकर बिस्तर में पड़ा हुआ था। गलाड्रियल से बहस करने मीरियल उसे ऊपर ले गई। टावर के टॉप फ्लोर पर ढेर सारे हथियार रखे थे। ये तलवार दिखने में एकदम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले नार्सिल की तरह लग रही थी। अगर ये वाकई में नार्सिल है तो आगे चल के किंग एलेंडल इसे यूज करेगा। इसिल्डर ने यही तलवार यूज करके सौरन के हाथ से वन रिंग को काटा था। गलाड्रियल को सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीरियल अपने पापा की तरह एल्फ फ्रेंड क्यों नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने मीरियल को एक फेथफुल से एल्फ हेटर बना दिया। Well, इसके जवाब में मीरियल ने गलाड्रियल को एक प्लांटियर दिखाया। प्लांटियर यानी एक तरह के कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल्स, लेकिन इस सीन में ये प्लांटियर को फ्यूचर देखने के लिए यूज कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। 7 में से सिर्फ एक ही प्लांटियर का पता है, बाकी 6 कहां है कोई नहीं जानता। प्लांटियर को भी कैलिब्रुम्बर के परदादा फियोनोर ने ही बनाया था। प्लांटियर को टच करते ही गलाड्रियल ने न्यूमिनोर के खात्मे को देखा, बिल्कुल वैसे ही विजन्स जो मीरियल ने सपने में देखे थे। मीरियल ने गलाड्रियल को बताया कि प्लांटियर की प्रोफेसी के हिसाब से न्यूमिनोर के अंत की शुरुआत गलाड्रियल के आने के बाद से ही हुई थी, इसीलिए वह गलाड्रियल को यहां से भगाने में तुली है। लेकिन गलाड्रियल को लगता है कि इसका कनेक्शन सौरन के आने से होगा। गॉड्स चाहते हैं कि न्यूमिनोरियंस एल्व्स की इस लड़ाई में मदद करे, और अगर मदद नहीं की तो शायद वेलार न्यूमिनोर को डुबा देंगे। गलाड्रियल ने मीरियल को बताया कि वो फटाफट आर्मी रेडी करके गलाड्रियल के साथ उन्हें मिडिल अर्थ भेज दे, लेकिन मीरियल को ऐसे तुक्का मारकर डिसीजन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
यहाँ सवाल सिर्फ मीरियल के फेथफुल होने का नहीं बल्कि न्यूमिनोर के किंगडम का था। मीरियल को इस लड़ाई में नहीं पड़ना। सुबह होते हुए गलाडियल को बोट देकर आइलैंड से बाहर भेज देगी। दूसरी तरफ रात ने थियो को पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वो थियो को मार दे रॉन्डिन ने पीछे से हमला करके रात को मार दिया। फिर ये दोनों स्लो मोशन में ऑक से भागते हुए जंगल में चले गए। रोन से खबर मिलते ही ब्रोनविन भी कोयता उठाकर अपने बच्चे को बचाने निकल पड़ी। जंगल में इन तीनों का छोटा सा रीयूनियन हुआ। फिर ये तीनों किसी तरह जंगल के अंधेरे से निकलकर खुले मैदान में आ गए। ऑक्स डायरेक्ट सनलाइट में इनका पीछा नहीं कर सकते तो ये लोग बच गए। टू बी ऑनेस्ट ये सीन मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग और सेंसलेस लगा। ओके, ड्यूरिन ने अपने सारे साथियों को खदान के मलबे से जिंदा बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे के बाद ड्यूरिन के पापा किंग ड्यूरिन III ने माइनिंग के काम पर रोक लगा दी। ड्यूरिन गुस्से में अपने पापा के खिलाफ अनाप शनाप बातें करने लगा। तभी एल्रोन ने उसे समझाया कि जब तक समय है ड्यूरिन को उसके पापा के साथ सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। अगर माफी मांगने में देर हो गई तो ड्यूरिन सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस एपिसोड में एल्रोन ने अपने पेरेंट्स की डिटेल बैक स्टोरी सुनाई जो कि सरप्राइजिंगली 100% ओरिजिनल लोर के साथ मैच करती है। सरप्राइजिंगली क्योंकि उन स्टोरीज के राइट शोरनर्स के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शोरनर्स चाहें तो बिना किसी लीगल प्रॉब्लम्स के बैक स्टोरी के कुछ पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्रोन की बातों से इंस्पायर होकर ड्यूरिन उसके पापा से मिलने चला गया। किंग ड्यूरिन III ने अपने बेटे को बताया कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन डॉस का फ्यूचर राजा होने के नाते ड्यूरिन को अपने इंट्यूशंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। और ड्यूरिन की गट फीलिंग ये कहती है कि एल्व्स सीक्रेटली कोई अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। फिर एल्व्स के असली प्लान को जानने राजा के कहने पर ड्यूरिन लिंडन जाएगा। वॉच टावर पहुंचते ही वो बार ओनर थियो से मिलने चला गया। थियो से पहले डार्क ब्लेड इसी के पास थी। ये भी ब्लेड को एक्टिवेट करने के लिए हैंडल को हाथ में घुसाने वाली टेक्निक यूज करता था। फिर इसने थियो को बताया कि म्यूटियोर यानी स्ट्रेंजर का आसमान में दिखना इस बात की निशानी है कि सावरॉन वापस आने वाला है, और इनके हाथ पर ब्लेड से बने वो जख्म शायद सावरॉन के सपोर्टर होने का सिंबल है। एरोंडिर ने मिडिल अर्थ के कियारा अडवाणी को अकेले में एडार के मैसेज के बारे में बताया। अगर यहाँ के ह्यूमंस अपनी जमीन एडार के हवाले करके उसके साइड हो गए तो उन्हें ऑक से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो एडार की आर्मी एक एक करके सबको मार देगी। एडार को भी खबर मिल गई कि वो डार्क ब्लेड फिलहाल वॉच टावर में एक बच्चे के पास है। सुबह होते ही क्वीन मीरियल ने गलाडियल को बोट में बिठाकर न्यूमिनोर से बाहर भेज दिया, लेकिन गलाडियल के थोड़ा दूर जाते ही व्हाइट ट्री के पत्ते तेजी से झड़ने लगे। ये देखकर सारे समझ गए कि गलाडियल ठीक कहती थी। गॉड्स उन्हें एक तरह से साइन दे रहे थे कि एल्फ को वापस अपने आइलैंड पर बुलवा लो। क्वीन रिजेंट ने फौरन गलाडियल को वापस बुलाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी कि वह खुद अपनी आर्मी लेकर गलाडियल के साथ साउथलैंड जाएगी, लेकिन इस आर्मी को बनाने इन्हें सोल्जर्स की जरूरत थी। एलेंडिल चौक में खड़ा होकर लोकल लोगों को आर्मी में भर्ती करवाने लगा। इसिल्डर और उसके दोस्तों ने भी हाथ उठाकर खुद को फौज का हिस्सा बना लिया। लगता है ये लोग न्यूमिनोर की मेन आर्मी को आइलैंड पर छोड़कर नई आर्मी लेकर साउथलैंड जाने वाले थे, क्योंकि इतने पावरफुल किंगडम का ऐसे रैंडम आर्मी बनाना सही नहीं लग रहा। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 4 तक आते आते फाइनली स्टोरी अब थोड़ा जोर पकड़ रही है। अभी तक विजुअली तो सारे एपिसोड कमाल के थे, पर स्टोरी वाइज एक भी एपिसोड ऐसे माइंड ब्लोइंग नहीं लगा। एपिसोड 4 स्टोरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, गुड एपिसोड बट नॉट द बेस्ट एपिसोड। जिस स्पीड से ये लोग जा रहे हैं मुझे लगता है कि असली इम्पैक्ट तो सीधा सीजन फिनाले में ही आएगा, लेकिन देख के लग रहा है कि अगला एपिसोड एक्शन पैक्ड रहने वाला है। एडर की आर्मी डार्क ब्लेड के लिए वॉच टावर पर हमला करेगी और शायद तब तक गलाडियल भी अपनी फौज लेकर साउथलैंड पहुंचेगी, तो हाई बजट बैटल देखने के काफी चांसेस हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching, and I'm hoping to see you in my next one.